आज का सुविचार, सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे रेलवे NTPC, ग्रुप डी, SSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो का टारगेट स्कोर रहेगा दोस्तों 85 प्रश्न। मतलब अगर आप 100 प्रश्नों में से 85 का सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है, और अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आपको तैयारी बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, आप सभी मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में प्रश्नों का उत्तर देते चलिए और अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आए हैं या आपका कितना स्कोर हुआ है। ये सभी प्रश्न दोस्तों वही हैं जो रेलवे की परीक्षाओं जैसे NTPC, ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका कोई प्रश्न छूट न जाए। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, राजस्थान। तो दोस्तों, मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर B, बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है, जबकि अन्य सभी घटनाएं इससे पूर्व में घटित हो चुकी है। प्रश्न नंबर 3, अल हिलाल एवं अल बगल जर्नल के संपादक कौन थे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अल हिलाल और अल बगल जर्नल या पत्र का संपादन किया। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, कलकत्ता से हाजीपुरा हजीरा कलकत्ता से हाजीपुरा की लंबाई सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 5, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र या कारखाना 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, रानीपेट में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर B, 1885 में मुंबई के एक सर तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर 7, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर D, यूरोप। यूरोप को सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ विस्तृत है। प्रश्न नंबर 9, विश्व में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर B, ब्राजील। ब्राजील में गन्ना सर्वाधिक उत्पादित होता है, साथ ही चीनी का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से हरियाणा की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 11, राजशेखर और जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान राजशेखर और जिन प्रभा सूरी को संरक्षण दिया था। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी सैनिक हड्डा किस वर्ष बना था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर B, 1843 में। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 13, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर B, चीन में। चीन में कृषि में सर्वाधिक उर्वरकों का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों में से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, 6। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 6 राज्यों से होकर निकलता है। प्रश्न नंबर 15, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर B, बाबा श्रवणनाथ ने। कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, उसमें सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर D, संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। प्रश्न नंबर 17, तटीय प्रवाल भित्ति
एवं स्थल कंड के बीच विकसित होने वाले लेगुन को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोट चैनल। तटीय प्रवाल भित्ति और स्थलखंड के बीच होने विकसित होने वाले लेगुन को कहा जाता है बोट चैनल, जहाँ से बोट या नाव निकलती है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो रूस के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 22, 1886 में निम्न में से किसके प्रयास से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राय बहादुर मुरलीधर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 23, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका को। अफ्रीका को पठारी महाद्वीप या अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24, माइवेट संबंधित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूल्यवर्धित कर से, मूल्यवर्धित कर या वैल्यू एडेड टैक्स से माइवेट संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 25, रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अकबर। रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास अकबर के समकालिक हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। जिसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, इन सभी नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 27, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की। एयरबस कंपनी कहाँ की है, फ्रांस की। प्रश्न नंबर 28, कृत्रिम वर्षा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम बादल बनाकर वर्षा कराई जाती है। प्रश्न नंबर 29, अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1899-90 में किसने प्रारंभ किया था दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद ने कादिया आंदोलन या अहमदिया आंदोलन 1899-90 स्टार्ट किया था। प्रश्न नंबर 30, भारत का 26वां राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, हरियाणा में किस वर्ष में आए अकाल को नबिया अकाल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1833-34 में आए अकाल जो आया था हरियाणा में, उसे नबिया अकाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 32, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राधानगर वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल। राधानगर वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। प्रश्न नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 34, बगलीहाट जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बगलीहार जल विद्युत परियोजना की बनाई जा रही है, जो पाकिस्तान के साथ विवादित स्थिति में है। प्रश्न नंबर 35, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 36, किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है। किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में चरागाह जो होते हैं उसे वेल्ड कहते हैं। प्रश्न नंबर 37, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केसी नियोगी। केसी नियोगी को प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। प्रश्न 38, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
पेटागोनिया का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, जबकि तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार और बोलिविया का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जबकि संपत्ति के अधिकार को समाप्त करते हुए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 40, फॉरबिडन सिटी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ल्हासा। तिब्बत की राजधानी ल्हासा को फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 41, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है, जबकि चीनी की जो मिलें हैं वह उनकी संख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, इसलिए चीनी का उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है। प्रश्न नंबर 43, अधिकांशतः मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाद्वीपीय मग्न ढाल से। महाद्वीपीय मग्न ढाल से अधिकांश मछलियाँ और अन्य समुद्री आहार प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पहली माउंट एवरेस्ट नेपाल है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन सा मंदिर महेंद्रगढ़ जिले के बागोद गांव में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिव मंदिर। प्रश्न नंबर 47, यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में पाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 48, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य। चालुक्य वंश के राजाओं ने विरूपाक्ष देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 49, भारत में सबसे लंबा बांध है? जिसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है यह भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और यह महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 51, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्णिका या मनु। मणिकर्णिका या मनु रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। प्रश्न नंबर 52, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 53, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? आधुनिक मानव के पूर्वज कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रोमैग्नन मनुष्य। क्रोमैग्नन मनुष्य को आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज माना गया है। प्रश्न नंबर 54, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। प्रश्न नंबर 50, किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं में से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 56, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी माना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 57, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोडेहू। गोडेहू को डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 58, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांगी की विभाजन वर्ष किसे माना गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1921 को जनसंख्या विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 59, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह अब्दाली या अफगानों के बीच हुआ था।
प्रश्न नंबर 60, बिहार बंगाल से अलग हुआ, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1912 में। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया दोस्तों? 1912 में। प्रश्न नंबर 61, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों झारखंड में लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर ए 14 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 62, ऋग्वेद में सूक्त हैं, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1028, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। प्रश्न नंबर 63, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा का अंतर किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक ऋण के बराबर। प्रश्न नंबर 64, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि देश के कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी 40% तक है। प्रश्न नंबर 65, सैंदव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र में। सैंदव या सिंधुकालीन शहर भगवानपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य सूची का विषय नहीं है, यह केंद्रीय सूची का विषय है, जबकि कृषि, जेल, सिंचाई यह राज्य सूची के विषय हैं। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महानदी को। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जबकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 68, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जिसके तहत दुग्ध उत्पादन को तीव्रता से बढ़ाना था। प्रश्न नंबर 69, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है? जिसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से भारतीय नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 70, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रयाग और थानेश्वर में। सम्राट हर्षवर्धन ने दो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयाग और थानेश्वर में किया था। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्न में से किस शहर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संघाई। प्रश्न नंबर 72, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? संसद का निम्न सदन दोस्तों लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। संसद में दो सदन होते हैं दोस्तों, जबकि संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और दो अंग है लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 73, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य है। प्रश्न नंबर 74, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 42,522। प्रश्न नंबर 75, बोध गया स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिहार में। बोध गया कहाँ पर स्थित है? बिहार में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। प्रश्न नंबर 76, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू की सर्वाधिक उत्पादन होता है और इसके तहत ही वृहत्तम क्षेत्र सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 77, विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइन नदी। राइन नदी जो यूरोप में बहती है वह विश्व की सबसे व्यापारिक नदी है और व्यस्ततम नदी है। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? जिसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शाहआलम द्वितीय। शाहआलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जिसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जामनगर। जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, जबकि ओखा, पोरबंदर और वेरावल यह बंदरगाह कस्बे हैं। प्रश्न नंबर 80, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, किस सुल्तान ने करवाया था दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया था। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक
शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट्स बॉक्स में प्रश्नों का उत्तर साथ ही साथ आप भी देते चलिए। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 81, मानचित्रों के विवर्तन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी पेंटोग्राफ, इपीस्कोप, पेंटोग्राफिक कैमरा, ये सभी का उपयोग मानचित्रों के विवर्तन और लघुकरण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 82, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सी राजागोपालाचारी, भारत के प्रथम और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 83, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में स्वयं का उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। प्रश्न नंबर 84, स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेगा वन क्षेत्रों में। टेगा वन क्षेत्रों में स्प्रू, फर और चीड़ प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 85, निम्न में से अग्नेय चट्टान कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान का रूप है। प्रश्न नंबर 86, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने सोलर प्रणाली या सौर प्रणाली की स्थापना की खोज की थी। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील की धारा। ब्राजील की धारा एक गर्म जलधारा है, जबकि पेरुवियन धारा, केनारी धारा, बेंगुला धारा ये ठंडे जल की जलधाराएं हैं। प्रश्न नंबर 88, निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घोड़ी नाच। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जा सकती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूंग और उड़द। प्रश्न नंबर 90, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणान्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्रत कथा। व्रत कथा की रचना किसने की? गुणान्य ने, और यह सातवाहन नरेश थे। प्रश्न नंबर 91, दक्षिण भारत में संदर्भ में एरीपत्ति का अर्थ क्या है? दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जलाशय की भूमि। एरीपत्ति जलाशय की भूमि को कहते थे। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दीव। दीव एक द्वीप है, जबकि दमन, पुदुचेरी, दादर एवं नगर हवेली ये तटीय नगर है। प्रश्न नंबर 93, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे दोस्तों? तो इसका सही जवाब है सेंट लॉरेंस। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। प्रश्न नंबर 94, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्जुना नारायण गणराज्य। अर्जुन नारायण गणराज्य राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 95, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1970 में। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृषि आयकर। कृषि आयकर केंद्र सरकार का द्वारा वसूल किया जाने वाला राजस्व नहीं है, यह राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है, जबकि आयकर, कारपोरेट टैक्स, उत्पादन शुल्क यह केंद्र सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाले कर हैं। प्रश्न नंबर 97, चूने के पाषाणकालीन तटकले स्तंभ को क्या कहते हैं? चूने के पाषाणीय तटकले स्तंभ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब है अश्रुताशम। अश्रुताशम। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? इनमें से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पछाब मेघ। पछाब मेघ या बादल को मोती का माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 99, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल भारत में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 100, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। जबकि इसकी अध्यक्षता स्पीकर
द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में आप अपना स्कोर बताइए कि आपको 100 में से कितने नंबर आए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।